The internet is full of bro science, fake knowledge, half information, or propaganda. Your quest of reliable, authentic health information ends here. So subscribe this channel and hit the bell icon, and you never have to go anywhere else ever again. So, hello everyone, namaskar. मैं हूँ डॉक्टर परमजीत, आप देख रहे हैं डॉक्टर एजुकेशन. दोस्तों, बात करेंगे आज वायरल हीमोरेजिक फीवर, क्योंकि डेंगू यानी कि डेंगू भी एक तरीके से कुछ केसेस में कॉम्प्लिकेट होके वायरल डेंगू हीमोरेजिक फीवर जैसा बन जाता है. सो क्या होते हैं ये वायरल हीमोरेजिक फीवर, और ये सिर्फ अकेला डेंगू नहीं है, ऐसा ऐसे कई सारे हैं. सो कुछ तरीके के फीवर्स, कुछ तरीके के वायरसेस लाइफ थ्रेटनिंग फॉर्म में कन्वर्ट हो सकते हैं, जिसमें कि वो खून की नसों को डैमेज करने शुरू कर दें और वहां से खून लीक होने लग जाए, तो या खून की क्लॉटिंग की एबिलिटी खराब हो जाए, यानी क्लॉट नहीं हो रहा है, बह रहा है खून, बहने लग जाएगा, इंटरनल ब्लीडिंग हो जाएगा. तो ऐसे में लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशंस पैदा हो सकती है. इस तरीके से बीमार करने वाले डेंजरस वायरसेस से वायरल हीमोरेजिक फीवर हो सकता है. सो कुछ तरीके के वायरस कौन कौन से हैं, वो सबसे कॉमन है जो आपने देखा है डेंगू. उसके अलावा है इबोला, इबोला इज वेरी डेंजरस, लेसा वायरस, मार्बर, येलो फीवर, ऐसी बीमारियां बहुत डेंजरस होती हैं. कुछ ऐसी बीमारियां भी हैं जिसका कोई क्योर नहीं. और वायरल हीमोरेजिक फीवर में जब ट्रांसफर हो जाता है कोई वायरस, यानी कि डेंगू में से कुछ परसेंटेज पेशेंट जो उस तरीके की बीमारी में घुस गए, उसका कोई इलाज नहीं है. और ऐसी कुछ तरीके की, इनमें से कुछ वायरसेस के खिलाफ वैक्सीन्स हैं या कुछ के डेवलप हो रहे हैं, जो अकेला एकमात्र प्रिवेंशन का अप्रोच है. मगर याद रखिए, ऐसे वायरसेस से हर एक पर्सन को जो इन्फेक्शन होता है, जैसे डेंगू में केवल 4 में से 1 इंसान को इन्फेक्शन के सिम्टम्स भी आएंगे, माइल्ड इन्फेक्शन. और जिनको माइल्ड इन्फेक्शन होगा, उनमें 20 में से केवल 1 पर्सन वायरल हीमोरेजिक फीवर या कॉम्प्लिकेशंस होगा उनको फीवर का. सो व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ अ वायरल हीमोरेजिक फीवर? ऑब्वियसली बात है, फीवर तो होगा ही, जनरलाइज्ड फीलिंग होगी फटीग की, वीकनेस की, लेकिन उसके साथ चक्कर आ सकते हैं, नौशिया, वॉमिटिंग, डायरिया, मसल जॉइंट, बोन पेन हो सकती है, जो हर एक फ्लू जैसे सिम्टम्स में हो सकता है. ऐसे ही कंडीशन जब सिवियर में तब्दील हो जाते हैं, तब ब्लीडिंग होने लगती है, ब्लीडिंग अंडर द स्किन, या जो दिखेगी ब्लीडिंग अंडर स्किन, तो आपको दिखेगी कि लाल लाल धब्बे आने लग गए हैं, जबान के नीचे आ गए, यहाँ आ गए, वहाँ आ गए, कहीं कहीं धब्बे आने लग गए. लेकिन कुछ ब्लीडिंग जो इंटरनल ऑर्गन्स में अगर ब्लीडिंग होगी, मुंह से ब्लीडिंग, आई से ब्लीडिंग, ईयर से ब्लीडिंग, इंटरनल ब्लीडिंग कई बार नहीं दिखेगी. तो सडन पेशेंट बेहोश होके भी आ सकता है, नर्वस सिस्टम मेल फंक्शन हो सकता है, पेशेंट कोमा में जा सकता है, किडनी फेलियर में जा सकता है, रेस्पिरेटरी अरेस्ट में जा सकता है, बहुत लिवर फेलियर में जा सकता है, लिवर रेस्पिरेटरी फेलियर में जा सकता है. तो सिवियर जहां ब्लीडिंग हो जाए, वहां का ऑर्गन डिसफंक्शन, बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हो जाए, तो अपने आप जानलेवा. सो वायरल हीमोरेजिक फीवर इज नॉट अ सिंपल थिंग, इट्स अ डेंजरस डिजीज. सो ये वायरसेस जो होते हैं, याद रखिए, इन सारे वायरसेस में ज़्यादा कॉमन चीज़ें हैं, इन्फेक्शन स्प्रेड होता है थ्रू इन्फेक्टेड एनिमल और इन्फेक्टेड इंसेक्ट, जैसे डेंगू मच्छर से फैलता है. सो वायरसेस ज़्यादातर आप अपने आप को बचा सकते हैं इन मॉस्किटोज से, कई बार दूसरे टिक्स, रोडेंट्स, रैट्स, बैट्स, ये भी इस तरीके के वायरल हीमोरेजिक फीवर्स को स्प्रेड करते हैं. सो पर्सन टू पर्सन कुछ ही वायरसेस होते हैं जो फैल कर सकते हैं, डेंगू नहीं फैलता. सो हाउ, उसमें आपको करना क्या होगा, आप अगर किसी ऐसे एरिया में ट्रैवल कर रहे हैं या कहीं प्रोटेक्शन अवेलेबल है, इस पर्टिकुलर आउटब्रेक वाली सिचुएशंस हैं, तो डेंगू जैसा फैल जाता है इंडिया के अंदर, उस टाइम अगर कोई इंडिया में आ रहा है तो उसको रिस्क बढ़ जाएगा. तो उस टाइम पर अगर उस तरीके के वैक्सीन अवेलेबल हैं, तो आप वो लें, अपने डॉक्टर से आके बात करें कि भाई मैं वहाँ जा रहा हूँ, वहाँ के लिए कुछ वैक्सीन है बताओ, है कि नहीं. दैट्स व्हाट यू शुड डू. देन ऑब्वियसली जो लोग उस इन्फेक्टेड पर्सन को हैंडल करेंगे, जो लोग एनिमल्स के साथ डील करते हैं, जो लोग आईवी ड्रग्स, नीडल्स यूज़ करते हैं, जो लोग अनप्रोटेक्टेड सेक्स करते हैं, जो आउटडोर रैट इन्फेस्टेशन वर्कर्स हैं, उनको ज़्यादा रिस्क रहेगा इन्फेक्शन होने का. तो उन लोगों को ज़्यादा रिस्क रहेगा वायरल हीमोरेजिक फीवर्स होने का, राइट. सो आपको अपने आप को बचाना है, ठीक है, उन लोगों के लिए वैक्सीन बनानी चाहिए, बन गई है तो देनी चाहिए, ठीक है. सो वायरल हीमोरेजिक फीवर से डेथ तक हो सकती है, सेप्टिक शॉक, मल्टी ऑर्गन फेलियर तक हो सकता है, हमने बताया. सो प्रिवेंशन इज बाय बींग अवेयर कि बीमारी कैसे होती है, कैसे फैलती है वायरसेस उस तरीके के, एंड वेयरिंग योर प्रोटेक्टिव ग्लव्स, आईज, फेस शील्ड, आप मच्छरों से बचें, डिसइंफेक्ट रखें. डेंगू के प्रिवेंशन पे पूरी वीडियो आएगी, बल्कि है दुनिया भर के, आपको पता है, पानी जमा नहीं होने देना है, मच्छरदानी लगानी है, ये वो दुनिया भर की चीज़ें, एंड गेट वैक्सीनेटेड. येलो फीवर की वैक्सीन अवेलेबल है, वो ले सकते हैं, और वो येलो फीवर जहाँ पर ज़्यादा होता है उन लोगों के लिए ज़्यादा प्रिस्क्राइब होती है. डेंगू की भी वैक्सीन अवेलेबल कुछ जगहों पर है, बहुत ज़्यादा
वाइड स्प्रेड अवेलेबल नहीं है, आगे चल के हो सकता है हो जाए. सो दैट्स व्हाट इट इज. सो डिफरेंट वैक्सीन्स आ सकती हैं, आपने CDC पे आप चेक कर सकते हैं और अपने डॉक्टर से बात कर सकते हैं. सो फॉर दैट आप अपने मॉस्किटोज या टिक्स या इंसेक्ट से बचने के लिए आप जो कर सकते हैं सेल्फ प्रोटेक्शन ज़रूर करें, वो आपके लिए बेसिक है. और बाहर जाते समय नेट्स हो गया, ये हो गया, दूसरे मॉस्किटो रिपेलेंट्स जो EPA से जो अप्रूव्ड है वो जरूर यूज़ कर सकते हैं. और बाहर से पड़ा हुआ खाना पीना ना खाएं, स्वच्छ पानी का इस्तेमाल करें, गार्बेज बैग का इस्तेमाल करें, बाहर खाना ना फेंकें, गंदगी ना फैलाएं, हाइजीन मेंटेन करें, बताने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए. और जब भी कोई डाउट हो तो अपने डॉक्टर से जाकर बात करें. इस तरह से आप वायरल हिमोरेजिक फीवर से बच सकते हैं. आई होप आपको वीडियो समझ आया, अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको शेयर करें. मैं हूँ डॉक्टर परमजीत, आप देख रहे हैं डॉक्टर एजुकेशन. स्टे कनेक्टेड, स्टे हेल्दी.